वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। अभी का सीन ये है, आज है गाइस मकर संक्रांति, यानी कि पतंगों का दिन है। आज अपन पतंग उड़ाएंगे और आप देखना, यानी कि अभी अपने पास पतंगों का तो खूब स्टेज पड़ा है और मांझा भी है, तो अभी उड़ाएंगे। नहाने धोने के बाद आपसे जस्ट मिलता हूँ मैं, ठीक गाइस? तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो, फिर मिलते हैं। अच्छा रेडी हो चुके हैं और अभी इस तरीके से नहा लिए, खा लिए, पी लिए, जो भी है, अब पतंग वतंग उड़ाएंगे। मेरा तो मन उधर जा रहा है, तो उधर का माहौल दिखा देता हूँ मैं आपको। सब पूरे मतलब आज तो संक्रांत है ना, तो हर सीधे घर पे चलते हैं, सीधे घर पे वहाँ पे, उसके बाद अपन पतंग उड़ाएंगे, पतंगे वतंगे लेके चलते हैं। पतंगे को शेड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अपने अरे मंजा किधर गया, क्या पता बाहर ही सब चरका उनका, और ये कुछ बहुत सारी ही पतंगे, तो इनको लेके चलते हैं और उसके सब ले लिए और चलते हैं। अब पतंग उड़ाने चलेंगे और तो क्या ही क्यों, चलो। तो गाइस अभी अर्षित घर पे आ चुके हैं और अर्षित तो कहीं बाहर गया था, उस थोड़ी देर मैंने उड़ाई, इसके बाद अब मैं उड़ा रहा हूँ, और उड़ाने के बाद हम फिर से पतंगों के माहौल में वो मिलेंगे जो भी कहते हैं, और आप व्लॉग को कंटिन्यू करना और हम उड़ाते हैं, ठीक। काटे, चलो गयो चरखी समेत नीचे चल, जितने भी शब्द ना सब बोल डालेंगे और आज पूरे माहौल का मजा ले लेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ी मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है, पतंग की दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी है हकीकत से। अच्छा ये अपना आना भाई, वो पतंगे और वो रही काट दी। यार अभी हमने पतंग कटा ली, म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे, और अभी हम हर्षित पतंग उड़ाएगा और हम उड़ा रहे हैं, और ये दोनों पतंगे लड़ रही है, ये एक जिसमें से एक अपने हर्षित की है और एक कोई और की है, और अभी तक पता नहीं क्या होगा। सुलझ गई है सीधे, और ये पतंग पैर पे खड़ी है, काट दी गाइस हमने वो, री बग काटे बग काटा रे, किसकी काटी गाइस, किसी की निकटी, अब जोर से बोल रहा है, कोई की निकटी यार सी, या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्यों हिला डाला ना, for those
गाइस हमने अपने हमने ना पतंग उलझा के लिए आई जागी। सो गाइस अभी घर चलते हैं। अंदर तो आ गया हूँ और अभी मैं थोड़ा बहुत थक गया हूँ क्योंकि मैं पतंग उड़ा उड़ा के और भाई चिल्ला चिल्ला के गला ही बैठ गया। थोड़ी देर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू। फिर से मैं पतंग उड़ा के आ चुका हूँ, अपने घर पे भी उड़ाया था, बाहर भी उड़ाया था। और अब अभी पतंग उड़ाने के बाद गाइस अपने घर में बहुत सारी पतंगें आई है ना, आपको दिखाता हूँ। मेरे घर पर जो पकवान बन रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ और उसके मजे लेना, बहुत टेस्टी है गाइस। आपने जो चीज देखी उसके लिए सॉरी यार गाइस, आपके मुंह में पानी हो रहा होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, वो खिला नहीं सकता। इसको हमारे राजस्थान में कहते हैं कथ, जो राजस्थान वाले जानते होंगे तो कथ कहते हैं। सॉरी गाइस यार आपको पानी गाइस। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना किस किसके बनता है। अभी खाना वाना तो मैंने खा लिया, सब हो गया रेडी, तो अभी के लिए बस इस व्लॉग का एंड ही करते हैं। और हाँ गाइस, कल भी सकरात वाली वीडियो आएगी क्योंकि हमारे यहाँ दो दिन बनाई जाती है, कल भी वीडियो आएगी, कल भी वीडियो पे आना जरूर। ये वीडियो कैसी लगी उसमें कमेंट में जरूर बता देना। बाय बाय। सो गाइस यार जाते जाते देखते जाओ कितनी सारी पतंगें, देखो तार पे लग रही है, रात को अभी पता चल रहा है ये पूरी आगे तक लग रही है।